सो हेलो एवरीवन, ये है L&T फाइनेंस के क्वार्टर टू के रिज़ल्ट। तो यहाँ पर देखते हैं इस शेयर के रिज़ल्ट कैसे रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं इस शेयर के टोटल इनकम से। तो यहाँ पर ईयरली बेसिस में जो इनकम थी वो अराउंड 3,257 करोड़ थी, जो क्वार्टरली बेसिस में 3,482 करोड़ यहाँ पर हो गई है। यानी क्वार्टरली बेसिस में यहाँ पर जो शेयर की इनकम है वो इंक्रीज़ हुई है। आगे हम इस शेयर के टोटल एक्सपेंसिस की भी यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो 2,701 करोड़ इस शेयर का जो है ईयरली बेसिस में एक्सपेंस था, जो डिक्रीज़ हो गया 2,684 करोड़ हो गया है। यानी इनकम बढ़ी है लेकिन शेयर के एक्सपेंस यहाँ पर डिक्रीज हुए हैं। अब आगे बात कर लेते हैं शेयर के टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की। तो यहाँ पर 350.50 करोड़ शेयर का जो है ईयरली बेसिस में कॉम्प्रिहेंसिव इनकम था, जो अब यहाँ पर इंक्रीज़ होकर 588 करोड़ यहाँ पर हो गया है। यानी क्वार्टरली बेसिस में यहाँ पर जो शेयर की इनकम है वो इंक्रीज़ हुई है। अर्निंग पर शेयर जो है यहाँ पर 1.46 रुपये था, अब जो है 2.40 रुपये हो गया है। यानी ओवरऑल एनालाइज करके हम देख सकते हैं शेयर के रिज़ल्ट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया देखने को मिले हैं। इस मंथ तक का जो शेयर का मैक्सिमम टारगेट है वो 140 रुपये के अभाव आपको देखने को मिल जाएगा, और नेक्स्ट मंथ तक का जो शेयर का मैक्सिमम टारगेट है वो 150 रुपये के अभाव आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपके पास ये शेयर है और आप इस शेयर को यहाँ पर होल्ड करके रखना चाहते हैं, तो अपने ओन रिस्क में इस शेयर को आप जो है यहाँ पर लॉन्ग टर्म के परस्पेक्टिव से भी होल्ड कर सकते हैं।